जय मसीह परिवार, मैं अमरजीत कुमार बिहार से हूँ। 2019 में मैं बॉडी चेकअप कराया था, उसमें पता लगा कि मुझे HIV एड्स है। जब मैं वो सुना तो बहुत डिप्रेशन में आ गया था। 1.5 साल तक मैं उसकी दवाई खाया, डॉक्टर ने बोला ये लाइलाज बीमारी है, कहीं जा कुछ भी कर कोई फायदा नहीं। मैं सोच लिया था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बहुत गंदा गंदा नशा करता था। मैं तो सोच लिया था कि मरना तो है ही, और लोग बाग को भी बताने में शर्म आता था कि इतना गंदा बीमारी लेके किसी को बताओ तो वो लोग दूर होने लगता। पानी भी हाथ से नहीं पीता था मैं। बहुत सारे चर्च के सामने जाता था पर अंदर नहीं जाता था। मैं कहता था अंदर जा कहूँगा ये बीमारी मार के भगा देगा, तो मैं डर से जाता भी नहीं था और मैं बस प्रभु को मानता था। एक दिन FOLJ से कॉल आया कि आपकी गाड़ी बुकिंग किया था ऑनलाइन, तो उसके द्वारा मैं फ़ोन किया, मैं भाई कहाँ आना है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे चर्च है। फिर मैं वहाँ पे गया, बताया कि मैं चर्च आ सकता हूँ, बोला हाँ आ जाओ 10 बजे आप आ जाना। मैं नहा धो के अपना 10 बजे पहुँच गया संडे के दिन। मैं बढ़ता गया, मैं ये एक प्लान बना लिया था कि मुझे अब चर्च दिया है तो मैं इसका जर पकड़ लूँ। और पोस्टल जी का जो सरमन था वो जब सुनता था तो उसको मैं हफ्ता भर एक मेरा ना नशा बना लेता था कि एक हफ्ता यही नशा करना। मुझे लगता था एक उम्मीद की किरण है। एक दिन उदास था, मैं बोला एक बार पोस्टर जी को बोल देता हूँ मेरे अंदर ना ऐसा है, तो मैं गया, मैं ऐसे खड़ा हो गया एकदम। और पोस्टर जी अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा था, मैं बताया कि मैं मरना नहीं चाहता। मैंने उस दिन अपनी पेन से इसमें लिखा Isaiah 53:5 healed by the stripes of Jesus। फिर वो बोला तुम अपनी उम्र लिख लो, और वही जी हो गया। उस एज को मैंने अपने अंदर ऐसे लिख लिया कि बार बार जब परेड होता था लंबी आयु, तो मैं कहता था मेरे को तो दे दिया लंबी आयु। बार बार जब भी शैतान मुझे सिम्टम डालता था तब तब मैं सोचता था मुझे अपोस्टल जी ने बोला है ताऊ जिएगा तो जिएगा। एक बार मैंने रिपोर्ट करवाया फ्राइडे के दिन में दे आया ब्लड कि मैं अपने घर पे बोल दिया मैं आ रहा हूँ रिपोर्ट लेके चलेंगे FOLJ गवाही देने के। मेरा विश्वास वो था कि हाँ होगा होगा चंगा हो गया होगा। मैं बिलीव करके रिपोर्टें करवाया तो रिपोर्टें गलत आ गया, फिर मेरा हौसला टूट गया, मेरा विश्वास कमजोर हो गया, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। जब भी मैं रिपोर्ट करवाता था तो खराब रिपोर्ट आता था, 5-6 बार मैंने करा तो मैं उसको वहीं फाड़ के फेंक देता था। लेकिन मेरा एक लगाव था कि मैं जो जर मिल गया पकड़े रहे बस। पोस्टल जी बार बार कहते थे कि बीमारी को छोटा रख, मैं उसको चींटी की तरह हमेशा रखता था। मैं कहता था HIV ले, पैर के नीचे रखा, मैं ले HIV तेरा स्थान यहाँ। पिछले एक महीना पीछे से ये ओबरी की गवाही सुनी, तो मैं सोचा जब ओबरी आ सकता है तो नया ब्लड भी आएगा। बार बार सुनता था मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, बार बार घोषणा करता था। मैं एक कदम भी उठाता था मेरे मुंह से हर एक सांस में थैंक्स का ही गाता था, परमेश्वर थैंक यू मैं चंगा हो गया, बस बोलना नहीं बंद किया। एक महीना पहले से मेरे अंदर ऐसा है तू मुझे चेक करा। तो मैं चेकअप कराने के लिए जब गया दिया, और पोस्टर जी बोलते रहते बार बार आज का दिन मेरा है, मैं भी वैसे ही बोलते आया आज का दिन मेरा। डॉक्टर को फिर कॉल किया कि मैं दीदी देखना ये रिपोर्ट कैसा है, बोला ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे उसने बोला लगा कि क्या सुन लिया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी तक मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, डॉक्टर ने एक बता दिया था कि तेरा बाप भी नहीं चंगा कर पाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था मेरा बाप वो आज भी चंगा करता है, पहले भी करता था आगे भी करता रहेगा। सचमुच कलेशिया बहुत अद्भुत है, मैं तो चंगाई लेने आया था, यहाँ पे बेटा बना दिया, और बेटा तो बेटा अधिकार भी दे दिया, अधिकार जब दे दिया राजा भी बना दिया। जय मसीह परिवार।